हेलो गाइस, मैं ही तौसीफ और आप देख रहे हैं बिल्ली फॉर यू। आफ्टर इफेक्ट्स की ये सातवीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग टाइम रीमैपिंग के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने स्पेशली बिगिनर्स के लिए आफ्टर इफेक्ट्स की ये सीरीज स्टार्ट की है। तो अगर आप मोशन ग्राफिक्स, VFX या फिर एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह के प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो खैर, चलिए जानते हैं कि आज के इस वीडियो में क्या है खास। गाइज, इस सेक्शन में हम लोग टाइम के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी वीडियो को फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, स्लो मोशन इफेक्ट वगैरह डालना हो, फ्रीज करना हो, रिवर्स करना हो। तो काफी सिंपल है आफ्टर इफेक्ट में। बस ये देख लीजिए आप, मेरे पास एक फुटेज है, नॉर्मल स्पीड वाली फुटेज है। मुझे जो है यहाँ पे काफी सारा इफेक्ट जो है वो अप्लाई करना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, उस लेयर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है टाइम मिल जाएगा और टाइम के अंदर ये सारे हमारे पास टाइम कंट्रोल के ऑप्शन है। इनेबल टाइम रीमैपिंग काफी इंटरेस्टिंग फीचर है, इसके बारे में हम थोड़ा सा लेट से बात करेंगे। सबसे पहले इन सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पे है टाइम रिवर्स लेयर, मतलब सिंपल रिवर्स करना हो तो आप जो है इस पूरे वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं। तो टाइम, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ये वीडियो जो है अब हमारा यहां पर रिवर्स हो गया। ओके, ये देख लीजिए अभी हमारा बैक जा रहा है। तो सिंपल रिवर्स मैंने कर दिया। यहां पर मैं क्या करता हूं, पहले इसको कमांड जी या कंट्रोल जी में कर देता हूं और उसके बाद मैं इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ और इसको मैं साइड में उठा करके रख देता हूँ। ठीक है, और मैं अपना प्लेबैक टाइम जो है वो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ यहाँ पे टाइम, और इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रिवर्स कर देते हैं। अब देख लीजिए मेरे पास कितना अच्छा इफेक्ट है यहाँ पे, ये नॉर्मल एंड देन फिर बैक। तो इस तरीके से जो है आप रिवर्स कर सकते हैं किसी भी वीडियो को। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है टाइम के अंदर वो है टाइम स्ट्रेच। इसके जरिए हम किसी भी वीडियो को फास्ट कर सकते हैं और स्लो कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए अभी सबसे पहले स्ट्रेच फैक्टर जो है वो अभी 100 है और यहाँ पे न्यू ड्यूरेशन जो है, मतलब एक्चुअल ड्यूरेशन एक्चुअली 100%, मतलब बिल्कुल ओरिजिनल है ये। इसका जो ड्यूरेशन है वो है 2 सेकंड के करीब, है ना। अब यहां पे अगर मुझे इसको फास्ट करना हो तो क्या करेंगे, इसका जो फैक्टर है 100 से 50 कर देंगे, मतलब जितना ज्यादा फास्ट करना हो तो उतना कम वैल्यू रखेंगे और जितना ज्यादा हमें स्लो करना हो उतनी ज्यादा वैल्यू रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे 50 कर दिया तो आप देखेंगे न्यू ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल 50, तो ये देख लीजिए 1 सेकंड का हो गया, 50% जो है इसका ड्यूरेशन कम हो गया, मतलब आप ये फास्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए आप, ये अभी जो है हमारी वीडियो थोड़ी सी फास्ट हो गई पहले से, है ना, थोड़ी सी फास्ट हो गई। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है टाइम स्ट्रेच, इसमें अगर फॉर एग्जांपल हमें किसी चीज को स्लो मोशन में दिखाना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका टाइम जो है इसको हम लोग बढ़ा देंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूं क्या 500। ओके, तो अब ये जो है हमारी 2 सेकंड की वीडियो का टोटल ड्यूरेशन क्या हो गया, 10 सेकंड, मतलब 2 सेकंड की वीडियो हमारी 10 सेकंड में प्ले होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्लो मोशन हो जाएगा। ओके, अब देख लीजिए हमारे बिल्कुल जो है यहाँ पे एकदम स्लो मोशन आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पे मेरे पास ये रिवर्स है, लेकिन देख लीजिए आप ये बिल्कुल ज्यादा जो है वो स्लो मोशन हो गया। तो इस तरीके से जो है आप टाइम स्ट्रेच में जाकर के अपने हिसाब से ड्यूरेशन डाल सकते हैं और आप देख भी सकते हैं कि कितने सेकंड की फुटेज आपकी हो गई है। तो सिंपल आपको कम या ज्यादा कर देना है। ज्यादा करेंगे तो आपका वीडियो स्लो हो जाएगा और कम करेंगे तो आपका वीडियो जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप टाइम स्ट्रेच कर सकते। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है फ्रीज फ्रेम का। आप जो है किसी भी वीडियो को कंप्लीटली जो है वो फ्रीज कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे जो है ये फ्रीज का ये ऐड हो गया है। अब यहां पे ये पूरे इसने क्या किया, इसने पूरे वीडियो को फ्रीज कर दिया, मतलब अब कुछ आप प्ले करेंगे ये आपका जो है ये प्ले नहीं होगा। लेकिन यहां पे कौन सा यहां पे जो है वो सीन होगा वो चीज आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। सिंपल यहां पे की फ्रेम जो है वो अप्लाई हो गया। तो यहां पे फॉर एग्जांपल मुझे जो है ये वाला ये रखना है, तो अब ये जो है ये हमारा फ्रीज हो गया। तो हम एक्चुअली काफी सारा इफेक्ट जो है इससे क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहां पे क्या है, की फ्रेम है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ये चाहता हूँ, तो ये इस तरीके से जो है ये हो जाएगा। तो सिंपल फ्रीज जो है आप क्रिएट कर सकते हैं और सिंपल कहाँ पर का आपको सीन चाहिए, सिंपल आप जो है वहाँ पर ये कर दीजिए, यहाँ से आप टाइम को चेंज कर दीजिए और वहीं का जो फ्रेम है आपका स्क्रीन के ऊपर शो करने लगेगा। यहाँ पर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास टाइम में फ्रीज ऑन लास्ट फ्रेम। ओके, अब इसने क्या किया, लास्ट फ्रेम जो है हमारा, मैं पहले तो सबसे पहले तो इस वीडियो का टाइम जो है टाइम स्ट्रेच जो है उसको 100% कर देता हूं। ओके, 100%। अब ये देखिए जो लास्ट फ्रेम है ना, इसने इसको जो है ये फ्रीज कर देगा, यहां पे अब कुछ नहीं होगा। ये देख लीजिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा पहले कर देता हूं
ओके यहां पे मैं कर देता हूं, तो वीडियो हमारी थोड़ी सी फास्ट होगी। ये की फ्रेम जो है इसने ऐड कर दिया यहां पे। ओके अब मैं यहां पे अगर प्ले करता हूं तो देख लीजिए यहां पे आने के बाद ये फास्ट हो जाएगा, सॉरी फ्रीज हो जाएगा। तो जितना कम ड्यूरेशन रखेंगे उतना फास्ट होगा ये, है ना, जितना ज्यादा दूर रखेंगे उतना ज्यादा ये हमारा स्लो होगा। उसके बाद ये हमारा फिर फ्रीज हो जाएगा। यहां पे हमारे पास रिवर्स है एक्चुअली। तो ये है आपका फ्रीज लास्ट फ्रेम, और उसमें भी जो है आप ड्यूरेशन वगैरह चेक कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं टाइम रीमैपिंग के बारे में, वो क्या है एक्चुअली। तो यहां पे सबसे पहले तो इसको डिलीट कर देते हैं की फ्रेम को, और उसके बाद चलते हैं यहां पे राइट क्लिक करते हैं टाइम एंड देन इनेबल टाइम रीमैपिंग। इसमें आप एक्चुअली एक साथ जो है ना वो मल्टीपल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपको कहीं पे स्लो करना हो फिर फास्ट करना हो, तो हमारे पास की फ्रेम है और उसके जरिए जो है हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो अभी यहां पे देख लीजिए दो की फ्रेम जो है वो ऐड हो गया। मैं यहां पे इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। यहां पे जो है दो की फ्रेम ऐड हो गया है। ओके फर्स्ट की फ्रेम ये है और सेकंड की फ्रेम ये है, बिल्कुल स्टार्ट में और एंड में। वीडियो का जो ड्यूरेशन है एक्चुअल ड्यूरेशन, उसी में जो है ये फ्रेम जो है हमारा ऐड हुआ है, की फ्रेम जो है वो ऐड हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, मतलब ये जो ड्यूरेशन है हमारा 2 सेकंड है, हमें अगर फास्ट करना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहां पे इसको उठा करके पहले ले आएंगे। तो अब ये क्या हो रहा है, यहां पे इसका जो ड्यूरेशन है ना वो सिर्फ इतना हो गया। अब ये पूरी वीडियो हमारे सिर्फ इतने देर में कंप्लीट होगी। आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा मुझे पता है, लेकिन जब आप खुद से ट्राई करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देख लीजिए, अब ये बिल्कुल इतनी ही दूर में इसने इस पूरे ड्यूरेशन को जो है वो तय कर लिया। तो हमें जितना फास्ट करना है उतना नजदीक हम लोग ला के रख देंगे इसको। ओके और जितना अगर हमें स्लो करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्लो करना है यहां पर, तो मैं इसको दूर ले जाकर के रख दूंगा। तो अब ये जो है मेरा थोड़ा स्लो हो जाएगा। ओके अब यहां पे हम लोग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक नया की फ्रेम ऐड कर दिया सेम इसी ड्यूरेशन का, मतलब यहां से यहां तक का ये, और उसके बाद यहां पे आकर के मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल पूरा ये। अब यहां पर देख लीजिए हमारे पास क्या इफेक्ट होगा, ये ऐसे है, उसके बाद फास्ट हो गया, है ना, जैसे बिल्कुल जेन्युइन सा इफेक्ट जैसे होता है वैसे हो गया यहां पर हमारे पास। ओके फिर फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूं कि ओके यहां पे मैं इसको क्या करूं, बिल्कुल फास्ट कर दूं, जीरो कर दूं, तो देख लीजिए अब मेरे पास क्या इफेक्ट होगा। ओके यहां पे रिवर्स भी हो गया साथ में, देख लीजिए यहां पे प्लेबैक टाइम जो है वो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं। ओके यहां पे अब ये हमारा सारा इफेक्ट जो है इसी के अंदर आ गया, फास्ट स्लो एंड बैक। तो सिंपल हमें क्या करना है, बस टाइम के साथ की फ्रेम के साथ खेलना है, क्योंकि यहां पे ये पोजीशन होगी, यहां पे मेरा जो है वो 100% होगा, बिल्कुल 2 मिनट का ड्यूरेशन पूरा। उसके बाद फिर यहां पे मुझे क्या करना है, इसको जीरो कर देना है, तो यहां से यहां तक ये बैक चला आएगा, है ना, क्योंकि ये 2 सेकंड से इसको फिर कहां 0 सेकंड तक आना है, वापस आना है, तो इसलिए यहां पर जो है हमारा रिवर्स वाला इफेक्ट आ गया। तो टाइम रीमैपिंग में जो है ना आप अगर अप्लाई करते हैं तो इसमें आप सारी चीज जो है वो एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा फ्रीज इफेक्ट दिखाना हो, है ना, तो यहां पर क्या है 22 सेकंड है और यहां पे 22 मिली सेकंड है। फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक आपको फ्रीज दिखाना हो तो सिंपल क्या करेंगे, यहां पे टाइम में जाते हैं हम लोग और उसके बाद मैं क्या करता हूं यहां पे 0 एंड 22। ओके 22 था ना मेरा, इसको मैं 22 कर देता हूं। ओके अब देख लीजिए यहां से यहां तक हमारा फ्रीज होगा, यह आगे ये फ्रीज है, फिर ये फास्ट एंड स्लो मोशन। तो टाइम रीमैपिंग की हेल्प से आप जो है जो हम लोग मल्टीपल चीजें कर रहे थे अलग अलग तरीके से, है ना, यहां पे रिवर्स कर रहे थे, स्ट्रेच कर रहे थे, फ्रीज फ्रेम कर रहे थे, तो ये सारी चीजें जो है ना आप सिंपल एक टाइम रीमैपिंग सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास उसको अप्लाई करके ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। बस आपको जो है टाइम के हिसाब से की फ्रेम अप्लाई करना है और आपके पास जो है वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ये देख लीजिए फ्रीज, नॉर्मल फ्रीज एंड फास्ट एंड बैक, नॉर्मल फ्रीज एंड फास्ट एंड बैक। तो बस आपको क्या करना है, की फ्रेम अप्लाई करना है टाइम के अकॉर्डिंग कि कहां पे आपको जो है वो कितना ड्यूरेशन चाहिए। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, आप इसको ट्राई करके देखिए, आपको खुद जो है वो समझ में आ जाएगा। तो गाइज ये था टाइम रीमैपिंग टाइम कंट्रोल। ओके गाइज तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। लाइक तो जरूर कीजिए, अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।